आप चाहे पान खाने के शौकीन हो या ना हो, फिर भी इस आइसक्रीम को देखते ही इसके दीवाने हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पान फ्लेवर आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए किसी तरह की एसेंस की जरूरत नहीं है, ना ही व्हिप्ड क्रीम की, ना ही फ्रेश क्रीम की, ना कंडेंस मिल्क की और ना ही मिल्क पाउडर की। बहुत ही आसान रेसिपी है। ये आइसक्रीम हम बनाएंगे जीएमएस और सीएमसी पाउडर की सहायता से। थोड़े से दूध से बहुत ढेर सारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ हम आइसक्रीम बेस भी बनाएंगे, जिससे आप किसी भी तरह का आइसक्रीम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये सुपर टेस्टी पान आइसक्रीम हम कैसे बनाएंगे। तो पहले हम आइसक्रीम बेस बनाएंगे। तो इसके लिए 500 ml फुल क्रीम दूध लेंगे। मेरा ये कप 250 ml का है, तो मैं दो कप ले रही हूँ, तो 500 ml दूध हो गया। और ये दूध रूम टेम्परेचर पर है, तो थोड़ा सा दूध इसमें से निकाल लेंगे, लगभग आधा कप। बाकी दूध हम गर्म होने के लिए रख देंगे। और दूध में डाल देंगे 6 टेबल स्पून चीनी। चीनी की मात्रा आप 1 या 2 टेबल स्पून कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, मीठा जैसा आपको पसंद है। दूध में उबाल आने लगा है, तो अभी हीट को लो कर देंगे। और इधर जो हाफ कप दूध हम बचा कर रखे हैं, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और स्पून को बराबर करके तब कॉर्नफ्लोर लेंगे। और 1 टेबल स्पून जीएमएस पाउडर लेंगे। जीएमएस पाउडर बिल्कुल पाउडर रूप में भी आता है और इस तरह से भी आता है। तो हाफ लीटर दूध में 1 टेबल स्पून जीएमएस पाउडर लेंगे और 1/4 टीस्पून सीएमसी पाउडर लेंगे। जीएमएस पाउडर आइसक्रीम की क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर देता है और सीएमसी पाउडर आइसक्रीम को जल्दी पिघलने नहीं देता है। तो यहाँ पर हम दोनों पाउडर लेंगे, लेकिन अगर आप सीएमसी पाउडर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मत लीजिए। लेकिन आइसक्रीम बेस को बनाने के लिए या क्वांटिटी में ज़्यादा करने के लिए जीएमएस पाउडर जरूरी है। हाफ लीटर दूध में 1 टेबल स्पून जीएमएस पाउडर के हिसाब से आप जितना दूध ले रहे हैं उसके अनुसार जीएमएस पाउडर ले सकते हैं। और सभी चीज़ों को नॉर्मल दूध में ही डालेंगे। नॉर्मल दूध में अच्छी से घुल जाएंगी सभी चीज़ें। अगर गर्म दूध में डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ने का डर रहता है। तो अब इसमें धीरे धीरे करके ये घोल डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर होने की वजह से ये नीचे से जमने लगता है, तो इसलिए इसको कंटिन्यू चलाना जरूरी है। आप चाहें तो इस टाइम इसमें हाफ कप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दूध की मलाई नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ दूध से ही ये आइसक्रीम बेस बना रही हूँ। तो जीएमएस और सीएमसी पाउडर डालने के बाद लगभग 1 मिनट तक ये पक चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से है। अब हीट ऑफ कर दें और इसको किसी दूसरे बर्तन में डाल दें ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक बड़े बाउल में डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए ठंडा करें। तो आइसक्रीम बेस का जो मिश्रण है ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसके ऊपर फ्रेश रैप लगा देंगे और 4 से 5 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। लगभग 5 घंटे के बाद निकालेंगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसको चाकू की सहायता से छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जब ये छोटे छोटे पीस में हो जाएंगे तब हम इनको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। आप चाहे तो मिक्सी जार में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। तो पहले लगभग 5 मिनट तक लो स्पीड पे इसको बीट करेंगे। वन टीस्पून वेनिला एसेंस डालें और अब 1 मिनट तक हाई स्पीड पे बीट करेंगे। बहुत ज्यादा बीट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा पतला हो जाता है।
तो ये आइसक्रीम बेस तैयार हो गया है। अब इस आइसक्रीम बेस से आप जिस भी फ्लेवर का आइसक्रीम जमाना चाहते हैं वो फ्लेवर डाल दीजिए, साथ ही साथ फूड कलर डालना चाहते हैं तो फूड कलर डाल दीजिए और उसके बाद आइसक्रीम जमने के लिए रख दीजिए। तो हाफ लीटर दूध से देखिए कितना ढेर सारा आइसक्रीम बेस बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम पूरे बेस से आइसक्रीम नहीं बनाएंगे, थोड़े से आइसक्रीम बेस से सिर्फ आइसक्रीम बनाएंगे। अब पान आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 ताजे पान के पत्ते लिए हैं। ध्यान रखिए कि बिल्कुल फ्रेश पान के पत्ते लीजिए तो इसको पीसने में भी आसानी होती है और फ्लेवर भी अच्छे से आता है। तो पत्ते को इस तरह से फोल्ड करके छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। अब इसको पीसने के लिए हम पानी का यूज नहीं करेंगे, इसी में से थोड़ा सा आइसक्रीम बेस लेंगे और इसको पीसेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। अगर ये थोड़ा सा दरदरा रहता है तो किसी मोटी जाली की छन्नी में डालकर छान लेंगे तो इसके जो मोटे टुकड़े हैं वो अलग हो जाएंगे। मैं यहाँ पर 2 कलर का आइसक्रीम बना रही हूँ, एक तो बिल्कुल प्लेन रहेगा और एक पान फ्लेवर रहेगा। तो प्लेन आइसक्रीम बनाने के लिए कंटेनर में पहले हम ये प्लेन आइसक्रीम बेस डाल देंगे। अब आपके पास अगर टाइम है तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, ये थोड़ा सेट हो जाए, उसके बाद दूसरा कलर डालिए। लेकिन मैं इसको फ्रीजर में नहीं रखने वाली हूँ, तुरंत ही बनाकर दिखा रही हूँ। अब ये पान का पेस्ट एक बाउल में डालें और साथ ही आइसक्रीम बेस भी डालें। जितना बड़ा आप आइसक्रीम कंटेनर ले रहे हैं उसके अनुसार आइसक्रीम बेस ले लें। अब कलर के लिए इसमें 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर दें, बट ग्रीन फूड कलर डालेंगे तो बिल्कुल पान का टेस्ट भी आएगा और देखने में भी पान की तरह ही लगेगा। तो सभी चीजों को हल्के हाथ से अच्छे से मिला देंगे। तो मैंने इसमें ये प्लेन आइसक्रीम बेस डाला है और अब ये पान फ्लेवर आइसक्रीम बेस डाल दें। अब इसके ऊपर भी फ्रेश रैप लगा देंगे ताकि इसमें आइस क्रिस्टल पड़ने की संभावना बिल्कुल ना रहे। फ्रेश रैप लगाने के बाद इसका ढक्कन बंद करके 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखते हैं या तो फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो लगभग 7 घंटे के बाद मैंने आइसक्रीम को निकाला है। अब इसका ये फ्रेश रैप हटा देंगे। आइसक्रीम देखने से ही बहुत अच्छी लग रही है और देखने से ही पता चल रहा है बहुत ही बढ़िया क्रीमी और स्मूथ आइसक्रीम बनी है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए बाहर रहने दीजिए, उसके बाद कंटेनर को उल्टा करके आइसक्रीम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ये आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट है, बहुत ज्यादा जमी हुई है, तो मैं इसके साइड को पहले क्लियर कर ले रही हूँ। अब ये आइसक्रीम कंटेनर को प्लेट पर उल्टा करके हल्का सा बाहर के साइड में इस तरह से खींचेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक का कंटेनर है तो हल्का सा खींचने से आइसक्रीम बाहर आ जाएगी। और इस आइसक्रीम को देखकर बिल्कुल मन पे काबू ही नहीं हो रहा है, इतनी ज्यादा क्रीमी है ये। और अगर आपको पान का फ्लेवर पसंद है तब तो ये आइसक्रीम आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और अगर आपको पान का फ्लेवर नहीं भी पसंद है तो भी ये आइसक्रीम आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो इस तरह से थोड़े से दूध से आप ढेर सारा आइसक्रीम बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस तरह से पान आइसक्रीम या किसी भी फ्लेवर का आइसक्रीम बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये आइसक्रीम बेस और पान फ्लेवर आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।